सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल परफेक्शन डॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो मूवीज एंड टीवी सीरीज को लेकर कई सारे नए अपडेट्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो अपडेट्स क्या है। तो हमारा सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है ब्लड फैंटम टीवी सीरीज को लेकर। वेल तो रिसेंटली इस सीरीज में लीड रोल को प्ले करने के लिए सिडनी स्विनी और टेलर स्विफ्ट का नाम सामने निकल कर आया है और ऐसे कुछ रूमर्स भी निकल कर आए हैं कि इस सीरीज के लिए मार्वल इस वक्त एक शो रनर ढूंढ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है स्कारलेट विच की सोलो मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज एलिजाबेथ थॉमसन को वापस लाना चाहता है इस सोलो मूवी के लिए। और रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि अपकमिंग अगाथा ऑल अलोंग और विजन की सीरीज से स्कारलेट विच की इस सोलो मूवी का सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट निकल कर आ रहा है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली इसका एक इंटरनेशनल पोस्टर रिलीज किया गया है जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है फैंटास्टिक फोर की मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग इस मूवी में हमें कॉमिक्स के कुछ क्लासिक विलन्स देखने मिलेंगे, मगर उनका इस मूवी में ज्यादा रोल नहीं होगा। और फिर इस मूवी में गैलेक्टस का रोल प्ले कर रहे रैल्फ एनसन ने कहा है कि उन्हें फैंटास्टिक फोर मूवी की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है। फिर हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है सुपरमैन मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली इस मूवी के सेट से कई सारे इमेजेस रिवील हुए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है रॉबर्ट पैटिनसन के द बैटमैन के सेकंड पार्ट को लेकर। वेल तो रिसेंटली एंडी सर्किस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि द बैटमैन 2 की फिल्मिंग अगले साल 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आ रहा है फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली जोसेफ क्विन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर मूवी की फिल्मिंग जुलाई के एंड में स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है घोस्ट राइडर के प्रोजेक्ट को लेकर। वेल तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज अगस्त में हो रहे D23 एक्सपो इवेंट में घोस्ट राइडर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट को अनाउंस करने वाला है। फिर हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं जिसके अकॉर्डिंग अपकमिंग स्पाइडरमैन 4 मूवी में मार्वल और सोनी सिम्बियोट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में जो सिम्बियोट वाला सीन है वो मिसलीडिंग है, और वैसे भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मार्वल के कई सारे ट्रेलर्स में ऐसे सीन्स होते हैं जो मूवी में होते ही नहीं है। सो गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।